क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ओर या अयस्क एनालिसिस। इसमें हम देखने वाले क्या हैं, तो सिलिका डाइऑक्साइड का हम क्या करने वाले हैं, एचएफ ट्रीटमेंट करने वाले हैं। इसको अलग अलग स्टेज में समझते हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट, टेस्ट प्रोसीजर, फिर हम देखने वाले हैं कैलकुलेशन। तो ये सब टॉपिक में क्या करेंगे, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं तो सबसे पहला हमको सैंपल लगेगा। सैंपल का बात करते हैं तो कौन सा सैंपल इसमें अप्लाई करना है, जो आयरन ओर का हम फिल्टर किए थे, याद रखिएगा। जो आयरन ओर में हमने क्या किया था, फिल्टर किया था, देखते रहेगा ये क्या है, फिल्टर है, ठीक। इसको हमने क्या किया था, फिल्टर किया था। तो हमारे पास जो फिल्ट्रेट आया था, इसी को हमको क्या करना होगा, सैंपल के रूप में लेना होगा, राइट। दूसरा हो जाएगा, हम क्या लेंगे, हार्ड प्लेट, मफल फर्नेस और की, प्लेटिनम का क्रूसिबल और सल्फ्यूरिक एसिड, डीएम वाटर और एचएफ लगेगा। इतना सब हमारे पास रिक्वायरमेंट हमको लगने वाला है, राइट। और उसके बाद जब रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल हो जाता है तो आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्लेटिनम का क्रूसिबल लेते हैं, सूखा, ड्राई, याद रखिएगा, प्लेटिनम का क्रूसिबल ड्राई, जिसका क्या करते हैं, एम्प्टी वेट लेते हैं। अब एम्प्टी वेट मान लो 20 ग्राम आ गया, ठीक। एम्प्टी वेट लिए हैं, उसका कितना वजन हो गया, 20 ग्राम हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ से जो सैंपल है उसको फोल्ड करके अच्छे से क्या कर देते हैं, इसमें डाल देते हैं वेट लेने के बाद, ठीक। दूसरा हम क्या कर देते हैं, फिल्टर पेपर को इसी में सैंपल के साथ, फिल्टर पेपर को प्लेटिनम का क्रूसिबल में डाल देते हैं। प्लेटिनम का क्रूसिबल में डाल के क्या कर देते हैं, मफल फर्नेस में डालते हैं। मफल फर्नेस का टेम्परेचर कितना होता है, 900 प्लस माइनस का 15 डिग्री सेल्सियस में रहता है। उसमें हमको क्या करना है, इस सैंपल को जलाना है। कितने मिनट में जल जाएगा, तो लगभग 20 मिनट में ये सैंपल हमारे पास जो है वो जल जाएगा, ठीक है। जब 20 मिनट के बाद निकाल के देखते हैं तो पूरा सैंपल क्या हो जाता है, एकदम व्हाइट कलर हो जाता है। व्हाइट कलर हो गया मतलब आपको जानना है कि इस सैंपल में क्या है, सिलिका प्रेजेंट है, राइट। जितना ज्यादा व्हाइट होगा उतना ज्यादा सिलिका का वहां परसेंटेज होगा। फिर इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर निकाल के कूल किए, कूल करने के बाद क्या करते हैं, वेट लेते हैं, राइट। अब वेट लेते हैं तो मान लो हमारे पास सेकेंड वेट, जिसको मैं W2 मान लेता हूँ, सेकेंड वेट कितना हो रहा है, मान लो 20.350, ठीक, 20.350 ग्राम हमारे पास आ रहा है, राइट। अब जो हमारे पास ये है सिलिका, ये सिलिका प्योर सिलिका नहीं है, ये इम्प्योर सिलिका है। इसी का हमको क्या करना पड़ेगा, एचएफ ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे हमको क्या मिलने वाले हैं, तो उससे बाद हमको शुद्ध जो हमारे पास मिलने वाला है सिलिका वो मिलेगा, राइट। इसको मैं क्या कर दिया, गर्म, आप वेट वन क्या रहेगा, वेट टू माइनस वेट वन, ठीक है। जो एम्प्टी वेट किया हूँ और जो उसके बाद लास्ट वेट किया हूँ, दोनों को क्या करता हूँ, मैं घटाता हूँ, तो 20.00 और क्या हो जाएगा, 20.350। ये वैल्यू मैं जानबूझ के एकदम इजी वाला लिया हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, राइट। मेरे को यहाँ जोड़ घटाव करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो हमारे पास जो सिंपल आया है 0.0350, ये आया है इम्प्योर सिलिका का। मेरे पास सैंपल कितना था, 0.5 था, इसलिए मेरे को 200 से गुणा करना पड़ेगा। 0.5 है तो 200 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, ठीक। 35 × 2 हो जाएगा 200, तो इसको करता हूँ तो कितना आ जाता है, 6%। जो इम्प्योर सिलिका का हमारे पास परसेंटेज है वो कितना हो जाएगा, 7%, राइट। अब जो हमारे पास ये वेट लिए हैं जो क्रूसिबल में है, उसको कुछ नहीं करना है, उसमें हमको एचएफ ट्रीटमेंट करना है, अशुद्ध को शुद्ध करना है, राइट। तो उसके लिए एचएफ ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं, उसमें दो ड्राफ्ट, याद रखिएगा, ये प्लेटिनम का क्रूसिबल है, इस प्लेटिनम का क्रूसिबल में हम क्या करते हैं, जो सैंपल है उसी में हम दो ड्राफ्ट क्या डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या डालते हैं, दो ड्राफ्ट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, दो ड्राफ्ट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और उसके बाद उसमें दो ड्राफ्ट डीएम वाटर डालना है। आप डीएम वाटर कैसे डालोगे, या तो ड्रापर से डालिए, या तो हाथ से ले लीजिए और ऐसा हाथ से दो ड्राफ्ट डाल दीजिए, क्योंकि क्या है, आप ड्रापर से या फिर हो सकता है उसे वाटर वाले से लेंगे तो वो ज़्यादा गिर जाएगा, तो आपको दो ही ड्राफ्ट डालना है। दो ड्राफ्ट क्यों डालना है, क्योंकि आपको सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करना है। सल्फ्यूरिक एसिड को हमको क्या करना है, डाइल्यूट करने के लिए हम उसमें डीएम वाटर डाल रहे हैं, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एचएफ डालते हैं। एचएफ अच्छा थोड़ा ज़्यादा जाना है, 2 से 3 ml लगभग हम क्या करते हैं, इसमें एचएफ डालते हैं, ठीक है। एचएफ कितना डालना है, तो 2 से 3 ml क्या करते हैं, एचएफ डालते हैं, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, ये पूरा क्रूसिबल को हम हार्ड प्लेट में रख देते हैं। हार्ड प्लेट में रख के इसको क्या करना है, हमको ड्राई करना है, सूखा करना है। तो हार्ड प्लेट में लगभग कितना हो जाता है, 10 मिनट में ये सूखा हो जाता है पूरा एकदम। ये फ्यूम के रूप में निकलेगा धीरे धीरे करके और पूरा क्या हो जाएगा, सूख जाएगा, राइट। तो कितना मिनट लगा, लगभग 10 मिनट में क्या हुआ, पूरा हार्ट प्लेट में सूख गया। हार्ट प्लेट में कितना लगा, 10 मिनट का टाइम लगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, बाहर निकाल के थोड़ा ठंडा करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए, याद रखिएगा, 2 मिनट के लिए फिर से मफल फर्नेस, जिसका टेम्परेचर मैं बार बार बता रहा हूँ, 900 प्लस माइनस का हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस हमारे पास क्या है, उसका मफल फर्नेस का
टेम्परेचर है राइट, उसमें हमको इसको डालना है। दो मिनट के बाद फिर से बाहर निकाल के ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, फाइनल वेट लेते हैं। अब फाइनल क्या करना है, उसके बाद वेट लेना है। फाइनल वेट मान लो हमारे पास कितना आ रहा है, W3 मान लेते हैं फाइनल वेट को 20.100 आ रहा है राइट। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, W2 माइनस W3 करना पड़ेगा, मतलब जो सेकेंड वेट है जो हम क्रूसिबल में जलाए थे उसके बाद वो वाला वेट और ये लास्ट वेट, ये कितना डिफरेंस हो रहा है इसको देखते हैं। तो W2 माइनस W3 हो जाएगा तो हमारे पास जो वेट डिफरेंस है वो आएगा, तो मान लो हमारे पास 20. कितना था, 350 था, माइनस 20.100 है राइट। ये दोनों को अगर मैं घटाता हूँ तो कितना आता है, 0.0250 ग्राम हमारे पास सिंपल एक्स्ट्रा हो गया। अब इसको फिर से मेरे को क्या करना पड़ेगा, 0.0250 ग्राम को मेरे को 200 से इसको गुणा करना पड़ेगा। 200 से क्या करना पड़ेगा, मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो एक्चुअल शुद्ध हमारे पास जो वो है सिलिका डाइऑक्साइड वो हमको मिल जाएगा। तो इसमें कितना रहा है, अगर गुणा कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, 5% सिलिका डाइऑक्साइड का हमारे पास जो प्योर फॉर्म है। अगर आपको जो रिपोर्ट करना है, कौन सा रिपोर्ट करना है, तो सिलिका डाइऑक्साइड का यही 5%। अगर इम्प्योर पूछा तो इम्प्योर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 7%, ठीक है। इम्प्योर कितना हो जाएगा, 7%। अगर प्योर सिलिका डाइऑक्साइड का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 5% राइट। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा HF ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसको मैं एक बार क्विक रीजन करा देता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में क्लियर हो जाए राइट। सबसे पहले हमने क्या किया है, जो आयरन ओर का हमारे पास जो फिल्टर्ड पार्ट है उसको हमने सिंपल के रूप में लिया है, किसमें, प्लेटिनम का क्रूसिबल में। सबसे पहले हमने क्या किया है, प्लेटिनम का क्रूसिबल का एम्प्टी वेट लिए। एम्प्टी वेट का आप जो रहेगा उसका नोट करिएगा रीडिंग को, फिर उसमें आप सिंपल डाल दीजिएगा। फिर उसको आप क्या करिएगा, हॉट एयर ओवन जिसका टेम्परेचर लगभग याद रखिएगा 900 प्लस माइनस का रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस, उसमें आपको रखना है राइट। कितने मिनट के लिए रखना है, तो 20 मिनट तक रखना है ताकि वो सिंपल हमारा पूरा जल जाए राइट। 20 मिनट के बाद हमारा देखते हैं तो पूरा सैंपल क्या हो जाता है, जल जाता है। और उसमें देखते हैं जलने के बाद पूरा सैंपल क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। जितना अच्छे से व्हाइट रहेगा उतना अच्छा आपका सैंपल जला है, या उसमें क्या रहेगा, सिलिका डाइऑक्साइड का परजीन ज्यादा उसमें रहेगा राइट। उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, उसका वेट लेते हैं। अब वेट लेते हैं तो वेट 2 माइनस वेट 1 मतलब एम्प्टी वेट से इसको घटाना है। घटाते हैं तो मान लो हमारे पास 0.0350 ग्राम हमारे पास सिंपल का वेट आता है राइट। ये जो आया है वो प्योर सिलिका नहीं है, ये इनप्योर सिलिका है, याद रखिएगा। जो हमारे पास सिलिका आया है वो इम्प्योर सिलिका है। इसको हमको क्या करना है, HF ट्रीटमेंट हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा हम क्या करते हैं, इसको ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे हमको जो अशुद्ध है वो हमारे पास क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए राइट। अब जो HF ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, दो ड्राप सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, ताकि जो उसमें आर्गेनिक कंपाउंड है वो रुक जाए। जब मैं क्या करता हूँ, जब उसको हॉट प्लेट में रखता हूँ HF डाल के, तो क्या हो जाता है, पूरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड उड़ जाता है या जो अशुद्ध है वो उड़ जाता है। अगर मैं डायरेक्ट HF बस डालूंगा और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालूंगा तो पूरा जितना इम्प्योरिटीज है उसके साथ जितना आर्गेनिक कंपाउंड वो भी उड़ जाएगा। इसीलिए उसको रोकने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं। अब सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करना है, हम डायरेक्ट HF डालेंगे, याद रखिएगा, हम डायरेक्ट HF डालेंगे तो पूरा सब कंपाउंड को क्या कराएगा, वो उड़वा देगा ठीक है। लेकिन हम उसमें आर्गेनिक कंपाउंड को हमको बचाना है, शुद्ध करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करने के लिए हम क्या दिए हैं, 2 ड्राप हम वाटर डाले हैं, ताकि क्या हो सके, वो डाइल्यूट हो सके। डाइल्यूट होने के कारण क्या कर सकेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्गेनिक कंपाउंड को रोक पाएगा राइट। और जो HF है वो क्या करेगा, इम्प्योरिटी को क्या करेगा, अपने साथ लेके उड़ जाएगा। अब उड़ने के बाद क्या है, पूरा उड़ गया तो हमारे पास जो अच्छा है उस प्लेटिनम का क्रूसिबल में वो प्योर सिलिका डाइऑक्साइड है। उसको क्या करते हैं, लगभग 10 मिनट रखते हैं, 10 मिनट बाद बाहर निकालते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद फिर से 2 मिनट के लिए क्या करते हैं, उसको मफल फर्नेस में जाके रख देते हैं। मफल फर्नेस में रखने के बाद क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए केवल रखना है, फिर उसको बाहर निकाल के ठंडा करना है, फिर थर्ड वेट लेना है। थर्ड वेट लेने के बाद क्या करते हैं, अपन वेट लेते हैं। थर्ड वेट हमारे पास वेट हो जाएगा, मान लो 20-100 आया है, उसको क्या करते हैं, सेकेंड वेट जो हमारे पास जलाने के बाद आया वेट उसमें घटा देते हैं। तो मान लो हमारे पास जो फाइनल वेट आया है थर्ड वेट का, वो कितना आ जाएगा, 0.0250 आया है राइट। अब हमारे पास जो कि सिंपल का वेट कितना था, 0.5 था, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, 200 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आया फाइनल में कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा ठीक है। जो 5% है वो क्या है, हमारे पास प्योर सिलिका डाइऑक्साइड है। यही पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है, HF ट्रीटमेंट कहलाता है राइट। जब आपको रिपोर्ट सबमिट करना होगा तो आपको 5 को करना होगा। अगर उसमें कहीं पूछ दिया जाए, कहीं मेंशन किया जाए कि इम्प्योर सिलिका इसमें कितना था, तो 7% को आपको बताना है राइट। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या हो जाएगा, HF ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसका हम क्लास किए तो और का किए हैं राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।